पर। तो दोस्तों खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों लगा साथ में छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपडेट लगाई गई है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मंडल की मासिक बैठक हुई संपन्न। दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश दिनांक 18/11/2020 को आजमगढ़ मंडल की मासिक बैठक श्री अवनी राय मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आजमगढ़ बस स्टैंड आजमगढ़ में संपन्न हुई है, जिसका संचालन श्री रामफेर उपाध्यक्ष प्रांतीय सचिव पूर्व क्षेत्र के द्वारा किया गया है। श्री रामफेर उपाध्याय ने अपने कर्तव्य में कहा है कि मंडलीय बैठक के साथ साथ जिला स्तर भी मासिक बैठक का आयोजन की शुरुआत किया जाए, जिससे संगठन जिला स्तर पर भी मजबूत हो, जिसका समर्थन श्री दिनेश राय ने किया और सवर सहमति से सबने इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष की सहमति से जिला स्तर पर बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष करे, यह भी निर्णय लिया गया जिसमें मंडल स्तर के हर एक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हो। इस बैठक में सैकड़ों पैंसठ उपस्थित हुए। प्रांतीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया है कि हमारी मांगे 7,500 के साथ महंगी भत्ता मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मंडल की मासिक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रदीप श्री वास्तव प्रांतीय अध्यक्ष ने कोरोना काल में होने वाली कार्यवाही पर विस्तार से सबको अवगत कराया। मुख्य विक्रेता के रूप में श्री कमलेश श्रीवास्तव प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राम दंतन लाल जिला अध्यक्ष बलिया श्री कुशल पाल सिंह जिला अध्यक्ष गाजीपुर श्री दिनेश राय प्रांतीय उप सचिव पूर्वीय क्षेत्र जिला अध्यक्ष म्यू जिला अध्यक्ष जौनपुर एवं वरिष्ठ पदाधिकारी ने अपना विचार प्रकट किए हैं। तो दोस्तों जैसे कि दूसरी और भी बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बरेली मंडल की मीटिंग अत्यंत सफल रही है, जिसमें पिछले महीने 19 अक्टूबर की मीटिंग में से 1500 की संख्या काफ़ी अधिक रही। इस सफलता के लिए श्री कौशल चतुर्वेदी श्री सुधीर उपाध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल सफल मीटिंग के लिए बधाई के पात्र है और उपस्थित ईपीएस रणवीर पेंशन के सदस्य अपना अमूल्य समय निकालकर सभा में भाग लेने आए वह समस्त प्रशासना के पात्र है। मुझे आशा ही नहीं है कि बल्कि पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमें होंगे कामयाब और सरकार को न्यूनतम पेंशन बढ़ाना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी एकता पूरे भारत में फैल चुकी है, जिसकी समस्त सूचना भारत सरकार पर जाती है। आज बरेली के प्रतिष्ठित अखबारों के संवाददाता जी भी मीटिंग की कवरेज लेकर गए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री राम लांबा को ऑर्डिनेटर बरेली मंडल राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली से कि ईपीएस नायडू पेंशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ही भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन बोर्ड यानी शुरुआत से शुरू करते हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन और सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारी से संयुक्त कार्रवाई समिति पंजाब प्रेस नोट्स, रिटायरमेंट एक्शन कमेटी की संयुक्त कार्रवाई की समिति में निमंत्रण, चंडीगढ़ बोर्ड नियम निगम सहकारी संगठन आज स्तरीय पट्टा फंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे किया। विभिन्न बोर्ड ने नियम सहकारी संगठनों के सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस विरोध के मुख्य मांगों के में शामिल हुए पेंशन पुनर्निर्माण पेंशन का मुद्दा, क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑफिस में पेंशनों को रोक, विशाल समिति के साथ ही मासिक बैठक शुरू करे, यहाँ सार्थक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सैलरी पेंशन देने का फैसला भी किया। इसी आधार पर केंद्रीय क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑफिस द्वारा पेंशन निर्माण पत्र जारी किया, लेकिन इस प्रक्रिया में आधे रास्ते में ही बंद कर दिए गए, जिसका कारण बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन मोदी सरकार देश भर में लाखों पेंशनरों की पेंशन रोक दी गई है। इसके बारे में पेंशनरों के मामले को सुलझाने में खुजली होती है। विशाल एक्शन कमेटी प्रोविडेंट फंड ऑफिस के अधिकारियों के साथ ही मासिक बैठक भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा पेंशन पर चर्चा पेंशनरों को बारी खुजली हो रही है। विशेष एक्शन कमेटी की इन मांगों को प्रतिवी विरोध के लिए आमंत्रित भी किया गया। आज विरोध में अधिक एससी अधीक्ष गुरप्रीत सिंह, महामंत्री ओम प्रकाश श्रेष्ठ, उपाध्याय रामचंद्र, इन नेताओं के अलावा मोहन सिंह बुनो वाटर ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, कुलविंदर सिंह, मानस राम श्री एक्स आईसी, हरभजन दास मोडपेट, बलबीर मुसाफिर, एस सी गुरुदेव सिंह, पंजाब पर्यटन निगम पूरन चंद, मिल्क ऑफ प्लांट मोहली बलवीर सिंह, मिल्क प्लांट पाटिल दर्शन सिंह, पेन सब संतोष सिंह, मिल्क प्लांट जालदार ताराचंद जी टिटी,
कुलदीप सिंह और गुरविंदर सिंह हेल्थ सेक्रेटरी पेंशन धारकों ने भी जिम्मेदारी ली। इसमें फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि काफी पेंशनरों की मांगे हैं वो मोदी सरकार पूरा नहीं किया जा रहा है, तो सरकार को कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा पेंशनरों के खिलाफ। तो जैसे ही पेंशनरों के खिलाफ सरकार फैसला लेगी तो हम आपको सर्वप्रथम बता देंगे। फिलहाल इतना ही अपडेट हमारे पास है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।